हेलो एवरीवन, आज हम लोग को देखना है लास्ट टॉपिक टैली में, जिसको हम लोग बोलते हैं पेरोल। और पेरोल इज द आवर फाइनल टॉपिक। अब पेरोल को सबसे पहले तो समझना है कि पेरोल होता क्या है और हम क्यों इसे पढ़ रहे हैं। अगर हम लोग इसको अगर थोड़ा सा अलग कर दे, पे मतलब पेमेंट करना और रोल मतलब यहाँ पे रूल से है, क्या नियम है, नियम से हम लोग पेमेंट करते हैं। तो कुछ रूल्स कंपनीज बनाती हैं पेमेंट करने के लिए। कौन सी चीज़ को पेमेंट करने के लिए? वेजेस या सैलरी हम लोग कह सकते हैं। ओके, और जो रूल्स क्या होता है, सारे एम्प्लॉयज़ के लिए होते हैं। उन्हीं रूल्स को कंपनी क्या करेगी, फॉलो करेगी, और उसमें सारा सैलरी का स्ट्रक्चर हम लोग डिटेल मेंटेन करेंगे। तो अगर सिंगल शॉर्ट शब्दों में अगर बोलना हो व्हाट इज पेरोल, तो पेमेंट करने के रूल को ही हम लोग पेरोल कहते हैं। नाउ नेक्स्ट, एम्प्लॉयज मास्टर। सबसे पहले इसमें हमें देखना होगा, जस्ट लाइक हम लोग ये बना रहे हैं किसके लिए, सैलरी वेजेस देने के लिए। तो जैसे सैलरी वेजेस हम देते किसको है, एम्प्लॉयज को देते हैं। तो सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं एम्प्लॉय मास्टर की, यानी सबसे पहले हम लोग एम्प्लॉयज क्रिएट करेंगे। सबको पता है हम लोग टैली के अंदर जब भी पढ़ाई किए हैं तो सबसे पहले मास्टर्स तैयार किए, देन ट्रांजेक्शन हुआ है। अब यहाँ पे पेरोल के अंदर सबसे पहले हम लोग एम्प्लॉय क्रिएट करेंगे। ओके, इसमें हम एम्प्लॉयज ग्रुप बना सकते हैं कि किस ग्रुप का एम्प्लॉय है वो, कैटेगरी क्रिएट कर सकते हैं, एम्प्लॉयज फिर बनाना ही बनाना है। नेक्स्ट, फिर पेरोल मास्टर होता है। अब पेरोल मास्टर मतलब क्या, यहाँ पे हम लोग पेरोल्स के लिए कुछ जैसे सैलरी देना है तो उसके लिए कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें होंगी, एलिमेंट्स होंगे, जस्ट लाइक पेरोल यूनिट्स होगा, है ना, कितने घंटे दिन मंथ में काम कर रहे हैं सब लोग। अटेंडेंस एंड प्रोडक्शन टाइप तैयार करना पड़ेगा, दैट मीन्स कह सकते हो कि सिक कभी होता है ना, एम्प्लॉय प्रेजेंट हुआ, लीव लिया, सिक लीव लिया, एबसेंट हुआ, है ना, तो वो सब बेसिकली हम लोग इसमें हम लोग क्रिएट करते हैं अटेंडेंस एंड प्रोडक्शन टाइप पे। देन होता है क्या, सैलरी डिटेल। हम लोग फिर सैलरी डिटेल मेंटेन करेंगे, और सैलरी डिटेल के लिए ध्यान रखना इंडिविजुअल पे स्ट्रक्चर हमें बनाना पड़ेगा। इंडिविजुअल पे स्ट्रक्चर मतलब कि किस बंदे को क्या क्या हम लोग दे रहे हैं, बेसिक कितना दे रहे हैं, टीए कितना दे रहे हैं, डीए कितना दे रहे हैं, ठीक है। देन ग्रुप पे स्ट्रक्चर भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट होता है पेरोल प्रोसेस। पेरोल प्रोसेस में हम लोग क्या करते हैं, अटेंडेंस प्रोसेस, पेरोल प्रोसेस एंड पेरोल रिपोर्ट। रिपोर्ट तो लास्ट में हम लोग देखते ही देखते हैं, तो पेरोल प्रोसेस करना भी सीखेंगे। लेकिन ध्यान रहे, आज हम लोग सिर्फ दो टॉपिक ही कवर करेंगे आज इस वीडियो के अंदर। आज हम लोग मास्टर्स क्रिएट करना पहले सीखेंगे। अब सबसे पहले मास्टर्स क्रिएट करने से भी पहले, जैसे कि यहाँ पे दे रखा है, सबसे पहले एक्टिवेटिंग पेरोल इन टैली प्राइम। तो टैली प्राइम में पहले तो पेरोल एक्टिवेट करना होगा हम लोग को। तो मैंने देखो एक कंपनी क्रिएट की है, टाटा प्राइवेट लिमिटेड, और पेरोल नाम मैंने दे दिया इसको। और मैंने जो कंपनी बनाई है वो 2021 है। एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप लोग भी सेम नाम से कंपनी बना सकते हो। नाउ नेक्स्ट, सबसे पहले हमें एक्टिवेट करना है किसको, पेरोल को। तो F11 हम लोग की प्रेस करेंगे, और यहाँ पे देखिए पेरोल का अलग ही सेक्शन दिया है, अकाउंटिंग इन्वेंटरी टैक्सेशन के बाद नीचे देखिए पेरोल होता है। इसको एक्टिवेट कर लेंगे। इनेबल पेरोल स्टैचुटरी, यानी कि कुछ स्टैचुटरी डिटेल्स भी मेंटेन करने हैं। जी हाँ, सबसे पहले पूछ रहा है क्या कंपनी कोड। अब यहाँ पे देखो पेरोल स्टैचुटरी में होता क्या है, जब हम लोग सैलरी देते हैं तो वहाँ PF, ESI ये सारे शब्द भी आते हैं। PF मतलब प्रोविडेंट फंड है, सबको पता है हर एक एम्प्लॉय का हमें PF भी मेंटेन करना है, ESI भी मेंटेन करना है। तो इसमें भी कंपनी को रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता है। तो कंपनी जब PF में रजिस्ट्रेशन लेती है, हमारी कंपनी जब ESI में रजिस्ट्रेशन लेती है, तो हमें हमारी कंपनी को भी कोड मिलता है। तो वो कोड यहाँ पे मांग रहा है, तो इसके लिए मैंने आपको देखो यहाँ पे डिटेल्स दे दिया है। ओके, कंपनी कोड जस्ट लाइक यहाँ पे दे रखा है। तो ये डिटेल हम लोग पूरा का पूरा फीड कर देंगे एज इट इज, जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है। ओके, सो हमने देखो यार डिटेल्स टोटल भर दिया। अब यहाँ पे कंपनी कोड यहाँ पे दिख रहा है आपको। देखो हमारी कंपनी है, हमारी कंपनी PF मेंटेन करती है, माई कंपनी ESI मेंटेन करती है। ये दोनों हमारा स्टैचुटरी लॉ होता है। अगर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में 20 या 20 से अधिक एम्प्लॉयज काम करते हैं तो अपने एम्प्लॉयज का PF और ESI मेंटेन करने की जिम्मेदारी हमारी होती है। नेक्स्ट, यहाँ देखो मैंने स्टैंडर्ड वर्किंग डेज में कितना लिखा है, 26 दिन। ओके, नॉर्मली स्टैंडर्ड वर्किंग डेज 26 दिन, में महीना 30 का माना जाता है, 4 संडे हटा दो तो 26 दिन वर्किंग डेज माना जाता है। बाकी ये हमारा नेशनल पेंशन स्कीम है, NPS, आपको पता है गवर्नमेंट की पेंशन स्कीम होती है, तो गवर्नमेंट पेंशन स्कीम में कॉर्पोरेट हमारा उसमें भी रजिस्ट्रेशन है, ताकि हम अपने एम्प्लॉयज़ का NPS भी मेंटेन कर सकें। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे इनकम टैक्स से रिलेटेड डिटेल हो गया। इनकम टैक्स से रिलेटेड डिटेल क्या है, ये यहाँ पे आपका 10 नंबर है, सबको पता है। इससे पहले हम लोग TDS पढ़े हैं, हमें अपने एम्प्लॉयज़ की सैलरी से TDS काटना है, सो हम लोग 10 नंबर भी नोट कर ले रहे हैं। 10 रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं भरते हम लोग,
नेक्स्ट इनकम टैक्स सर्कल वार्ड ये डाल दिया मैंने। डायरेक्टर टाइप में अदर्स हो गया। डायरेक्टर ब्रांच एंड डिवीजन गोरखपुर है। कौन बंदा रिस्पॉन्सिबल है इस पेरोल के लिए, सैलरी स्ट्रक्चर के लिए? तो हमारे यहाँ मिस्टर रोशन है, उनके पिताजी का नाम क्या है, मिस्टर रमेश, डेजिग्नेशन जनरल मैनेजर, पैन नंबर दे दिया हमने। बस इतना करने के बाद फिर इसको एक्सेप्ट कर लीजिए। नाउ नेक्स्ट, अब देखिए क्या करना है। आफ्टर एक्टिवेटिंग पेरोल ऑप्शन एज अबव, दीज ऑप्शन विल अपीयर अंडर द मास्टर क्रिएशन एज सोन। तो यहाँ पे नीचे जो दिख रहा है, अगर हम यहाँ पे क्रिएट में जाते हैं मास्टर्स में, अब हमें देखो यहाँ पे पेरोल का एक अलग से सेक्शन दिख रहा है। अभी तक हमें अकाउंटिंग मास्टर, इन्वेंट्री मास्टर दिखता था, अभी हमें पेरोल मास्टर भी दिख रहा है। और यहाँ पे देखो दे रखा है एम्प्लॉय ग्रुप, एम्प्लॉय यूनिट्स और ये सब। अभी देखो कुछ ऑप्शन तुम्हें कम दिख रहे हैं, तो यहाँ पे आप शो मोर पे जाके क्लिक करो। अब देखो कंप्लीट दिखेगा, एम्प्लॉय कैटेगरी, ग्रुप, एम्प्लॉय यूनिट, अटेंडेंस, पे हेड्स एंड पेरोल वाउचर टाइप। तो एक चीज मैं बता दे रहा हूँ, पेरोल पढ़ोगे तो बहुत ही सिंपल चीज, एक्टिवेट करने के बाद एकदम इसी सीक्वेंस को फॉलो करना होता है। सबसे पहले हम एम्प्लॉय कैटेगरी बनाते हैं, एम्प्लॉय ग्रुप क्रिएट करते हैं, एम्प्लॉयज क्रिएट करते हैं, यूनिट्स क्रिएट करते हैं, अटेंडेंस एंड प्रोडक्शन टाइप क्रिएट करते हैं, पे हेड्स तैयार करते हैं। यानी आज हम लोग को यही पूरे मास्टर्स हम लोग को स्टडी करने हैं। पेरोल वाउचर टाइप की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, क्योंकि पेरोल के जो वाउचर टाइप होते हैं, दो वाउचर टाइप हम लोग यूज करेंगे, अटेंडेंस वाउचर और दूसरा होगा पेरोल वाउचर। तो वो दोनों हम लोग यूज करेंगे, बाय डिफॉल्ट बने होते हैं, तो हमें क्रिएट नहीं करना। सबसे पहले तो हमें एम्प्लॉय कैटेगरी बनानी होगी। ओके, सो देखिए सबसे पहले क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉय कैटेगरी। ओके, सो हम लोग क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉय मास्टर कर रहे हैं। सबसे पहले हम एम्प्लॉय कैटेगरी, एम्प्लॉय कैटेगरी होता क्या है? एन एम्प्लॉय कैटेगरी प्रोवाइड्स एन एडिशनल लेवल टू क्लासीफाई एम्प्लॉयज इन अ लॉजिकल मैनर। हम अपने एम्प्लॉयज को अलग अलग, जस्ट लाइक होता है हमारे ऑफिस में ब्रांच ऑफिस होता है, हेड ऑफिस होता है, रीजनल ऑफिस होता है, तो हमारा एम्प्लॉय वो कहाँ पे काम करता है, हेड ऑफिस में है, रीजनल ऑफिस में है कि ब्रांच ऑफिस में है, तो इस तरह से हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं। इट इज यूज टू क्लासीफाई एम्प्लॉय बाई फर्दर लेवल। इससे क्या होता है, उसकी सैलरी पे, अगर अकाउंटेंट अगर रीजनल ऑफिस का होगा, हेड ऑफिस का होगा, ब्रांच ऑफिस, ब्रांच ऑफिस के अकाउंटेंट की सैलरी कुछ और होगी, रीजनल ऑफिस का कुछ और होगा, हेड ऑफिस का कुछ और होगा, तो तीनों के कैटेगरी ऑफ यानी लेवल में क्या होगा, फर्क है। ठीक, तो इस तरह से हम लोग कैटेगरी क्रिएट करते हैं। जस्ट लाइक इन्होंने हेड ऑफिस बनाया एक, तो हम लोग एम्प्लॉय कैटेगरी में जाते हैं, सीधे क्रिएट में ही हम लोग हैं और यहाँ बना लेते हैं हेड ऑफिस। ओके, देन अलाउ रेवेन्यू आइटम। जी हाँ, नॉन रेवेन्यू आइटम भी आपको इस बार यस करना होगा। ओके, दोनों चीजों को यस। इसी तरह से आप अदर भी बना, जैसे लाइक रीजनल ऑफिस मान लो मैंने बना दिया, और अगर हमारा ब्रांच ऑफिस भी होता तो ये से हम लोग इसको बना लेते। तो सिंपल सा ये हमने क्या क्रिएट किया, एम्प्लॉय कैटेगरी पहले बनाया। अब आपको पता है अगला नंबर क्या होगा, एम्प्लॉय ग्रुप का। नीचे देखो नोट में मैंने साफ साफ लिख रखा है कि एन एम्प्लॉय कैटेगरी कैन ऑल्सो बी यूज टू ट्रैक द सैलरी पेड टू द एम्प्लॉय, है ना, वर्किंग इन ए स्पेसिफिक प्रोजेक्ट एंड लोकेशन। तो स्पेसिफिक लोकेशन का, हेड ऑफिस मेरा किसी एक जगह पे होगा, ब्रांच ऑफिस, रीजनल ऑफिस किसी एक जगह होगा, तो पर्टिकुलर लोकेशन की के एम्प्लॉयज की सैलरी को ट्रैक करने में आपको आसानी होगी। क्लियर? नाउ क्रिएशन ऑफ एम्प्लॉयज ग्रुप। तो जैसे देखो अगला कैसे का पता चला, क्योंकि हमें पता है अगला पॉइंट, अगला जो है वो क्या है, एम्प्लॉय ग्रुप ही है। एम्प्लॉय ग्रुप क्या होता है सर, वो किस डिपार्टमेंट में काम करता है? ग्रुप इज यूज टू क्लासीफाई द एम्प्लॉय एज रिक्वायर्ड। जनरली एम्प्लॉयज कैन बी क्लासीफाइड बेस्ड ऑन द फंक्शन, डिपार्टमेंट, लोकेशन, डेजिग्नेशन या वेरियस अदर पैरामीटर हो सकते हैं एम्प्लॉय ग्रुप को बांटने के, लेकिन सबसे अच्छा और सबसे सिंपल तरीका होता है डिपार्टमेंट वाइज बांट देना, है ना। तो हमें यहाँ पे जस्ट लाइक सपोज करो क्रिएट में जाके एम्प्लॉय ग्रुप बना सकते हैं, जैसे अकाउंट डिपार्टमेंट है, सीआरएम, सीआरएम दो बार मैंने लिख दिया, एक ही बार बनेगा। नाउ सेल्स एंड मार्केटिंग हो गया, एंड R&D यानी रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। तो जस्ट लाइक मैंने सबसे पहले एम्प्लॉय ग्रुप बनाया, कौन सा कैटेगरी जरूर सेलेक्ट करिएगा, हेड ऑफिस मान लीजिए, हेड ऑफिस के अंदर बना रहे हैं, हेड ऑफिस के अंदर क्या कौन कौन से डिपार्टमेंट है, सबसे पहले अकाउंट डिपार्टमेंट बना लेते हैं, अंडर प्राइमरी ही रहेगा। डिफाइन सैलरी, अभी सैलरी नहीं डिफाइन करनी हमें, हम सैलरी कहाँ डिफाइन करेंगे, एम्प्लॉयज के अंदर, हर एम्प्लॉयज का हम सैलरी डिफाइन करेंगे। नेक्स्ट आगे इसी तरह से बनता है सीआरएम, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, अंडर प्राइमरी,
देन क्या है, सेल्स एंड मार्केटिंग, सेल्स एंड मार्केटिंग का आ जाएगा, इट इज ऑल्सो प्राइमरी, एंड देन लास्ट इज आर एंड डी, ओके इट इज ऑल्सो प्राइमरी. सो ऑल द ग्रुप्स विल क्रिएटेड अंडर द कैटेगरी. सो टोटली रिलेटेड टू द कैटेगरी. नीचे देखिए नोट्स में भी लिखा हुआ है, मल्टीपल ग्रुप्स कैन बी क्रिएटेड थ्रू सिंगल स्क्रीन बाई चार्ट ऑफ अकाउंट. सबको पता है अगर हम लोग को ग्रुप बहुत सारे बनाने हैं तो उसके लिए हम लोग मल्टीपल क्रिएशन भी यूज कर सकते थे, जैसे कि यहाँ पे चार्ट ऑफ अकाउंट में जाके, ओके और यहाँ पे हम लोग को जाना पड़ेगा एम्प्लॉय ग्रुप में, और सब लोग पता है यहाँ पे होता है मल्टी मास्टर, और यहाँ से हम लोग क्रिएशन कर सकते हैं मल्टी मास्टर क्रिएशन, तो ऐसे भी हम लोग क्रिएट कर सकते हैं. सो अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, अगला स्टेप क्या होता है, एम्प्लॉय क्रिएटिंग एम्प्लॉयज. अगर हम लोग ध्यान से देखें यहाँ पे जब हम लोग पेरोल मास्टर में, तो देखिए यहाँ पे यही था ही, कैटेगरी ग्रुप के बाद अगला क्या था स्टेप, एम्प्लॉय. तो एकदम लोग सीक्वेंस से चल रहे हैं, एकदम सीक्वेंस में चलना है, एम्प्लॉयज क्रिएट करना है. अब एम्प्लॉयज क्रिएट करते समय ध्यान रखिएगा यहाँ पे कैटेगरी सेलेक्ट करना मत भूलिएगा, डिफॉल्ट प्राइमरी कॉस्ट कैटेगरी होता है, बट इसमें नहीं बनाना, हमें किसमें बनाना है, हेड ऑफिस. अब यहाँ पे कौन सा एम्प्लॉय है, तो एम्प्लॉय को हमें क्रिएट करना है, तो यहाँ पे थोड़ा सा मैं जूम कर देता हूँ. ओके अब अगर आप देख पा रहे होगे तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, अनूप कुंदू, ओके नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे देखिए अगला क्या पूछता है, अंडर पूछता है किस डिपार्टमेंट में काम करता है, तो अभी इसमें से किसी एक डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, तो देखिए यहाँ पे किस अकाउंट डिपार्टमेंट में, अकाउंट, तो यहाँ अकाउंट डिपार्टमेंट हो जाएगा. नेक्स्ट यहाँ पे देखिए डेट ऑफ ज्वाइनिंग है, तो डी ओ जे, दैट मीन्स वॉट डी ओ जे, तो अगर आप डी ओ जे अगर चेक कर रहे होगे तो वो है 1 सितंबर 2009 2007. ओके डिफाइन सैलरी डिटेल्स नहीं डालना हमें नोट्स में, अगर इस एम्प्लॉय के बारे में कुछ डालना चाहते हो तो डाल सकते हो, अगर डिसेबल्ड है या समथिंग कुछ इस तरह का कुछ प्रॉब्लम है तो यहाँ डाल सकते हो. नाउ नेक्स्ट एम्प्लॉय नंबर यानी एम्प्लॉय का कोड, तो एम्प्लॉय का कोड यहाँ दे रखा है NE001. अब यहाँ पे डेजिग्नेशन, इनका क्या डेजिग्नेशन है, ये मैनेजर है. देन नेक्स्ट फंक्शन क्या है, ये क्या काम करते हैं, मैनेजमेंट देखते हैं. नेक्स्ट मैं अपनी तरफ से लिख रहा हूँ, है नहीं इसकी डिटेल यहाँ पे. देन लोकेशन क्या है, हम लोग बना लेते हैं गोरखपुर. जेंडर, अब जाहिर से बताए अनूप है तो मेल है. देन नेक्स्ट डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो डी ओ बी दे रखा है 1980 है यहाँ पे, 1080. ओके नाउ बी पॉजिटिव कर देते हैं, ब्लड ग्रुप ऐसे ही पूछ रहा है, फिलहाल नहीं इन्फॉर्मेशन है तो मैं ऐसे ही दे दे रहा हूँ. नाउ नेक्स्ट मिस्टर, ओके डी के कुंदू. नेक्स्ट स्पाउस नेम, मतलब जीवन साथी, कोई डिटेल नहीं है. एड्रेस कहाँ पे रहते हैं, गोरखनाथ गोरखपुर. नेक्स्ट यहाँ पे फोन नंबर, ओके नेक्स्ट यहाँ पे ईमेल आईडी यहाँ पे देनी है, anupkundu@gmail.com. ओके नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे प्रोवाइड द बैंक डिटेल्स, हाँ बैंक डिटेल भरेंगे, बैंक इनका अकाउंट डिटेल हमें देना है, तो यहाँ पे देखिए अकाउंट डिटेल यहाँ पे दे रखा है, इनका अकाउंट नंबर है, जायज है सैलरी अकाउंट में सीधे ट्रांसफर कर दी जाएगी. नेक्स्ट IFSC कोड, HDFC HDFC 1234539. ओके दिस इज द IFSC कोड, ये बॉक्स खुलेगा, कोई टेंशन नहीं, एंटर अगेन कर दीजिएगा. बैंक नेम HDFC बैंक है, नहीं आ रहा है तो यहाँ पे क्या कर, न्यू बैंक क्रिएट कर लीजिए HDFC, बस ठीक है, आ तो गया. नेक्स्ट ब्रांच क्रॉस मॉल, ट्रांजेक्शन टाइप किस तरह से इनको हम लोग सैलरी दिया करेंगे, चेक से देना है, कैसे देना है, किस तरह का ट्रांजेक्शन करते हैं हम लोग. हम लोग सपोज ECS देते हैं, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस, ज़्यादातर हम लोग सैलरी ऐसी देते हैं, एक एक्सेल शीट बना देते हैं किस एम्प्लॉय का क्या सैलरी है, और ये बैंक को दे देते हैं, और एक सिंगल चेक काट के दे देते हैं. अब सोचो अगर 10 चेक काटना हो, मान लो अगर मेरे पास 200 एम्प्लॉय है तो 200 चेक्स तो ही ना काटेंगे हम लोग, सीधे 200 एम्प्लॉयज़ की एक एक्सेल शीट बनाएंगे किसकी क्या सैलरी है, और फिर एक सिंगल चेक बना देंगे.
सपोज करो 200 एम्प्लॉयज की टोटल सैलरी अप्रोक्स जा रही है 12 लाख रुपए, तो सिंगल चेक 12 लाख का काटेंगे और एक्सेल शीट बना देंगे और ये बैंक को पकड़ा देंगे, और बैंक क्या करेगी, ECS कर देगी, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सर्विस। नाउ नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे दे रखा है क्या, किस तरह का एप्लीकेबिलिटी है, टैक्स रिजीम रेगुलर टैक्स रिजीम है, जी हाँ। नेक्स्ट यहाँ पे इनका पैन नंबर मांग रहा है, ओके पैन नंबर मैंने अपने से दे दिया, ये इन्फॉर्मेशन वहाँ पे अवेलेबल नहीं है। नाउ नेक्स्ट, आधार नंबर नहीं डालना, UAN नंबर नहीं डालना। अब यहाँ पे देखिए दे रखा है PF अकाउंट नंबर, तो इनका देखो हर एम्प्लॉयज का भी हम PF अकाउंट नंबर दिया हुआ है। देखो कंपनी का तो अपना तो PF में रजिस्ट्रेशन होगा ही होगा, अगर कंपनी का PF में रजिस्ट्रेशन होगा तभी तो अपने एम्प्लॉयज का PF में रजिस्ट्रेशन करवाएगी, तो ये PF अकाउंट नंबर है। PF के बारे में और डिटेल हम लोग देखेंगे आगे, अभी नहीं। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पे EPS अकाउंट नंबर भी सेम होता है। नेक्स्ट, ये डेट ऑफ ज्वाइनिंग के अकॉर्डिंगली पकड़ लिया, देख रहे होगे आप यहाँ पे सेम। नाउ नेक्स्ट, प्रान नंबर नहीं डालना। नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, ESI नंबर, तो ESI नंबर दे रखा है तो यहाँ से उठा लेंगे हम लोग। देन नेक्स्ट, पासपोर्ट, अगर सपोज उसका पासपोर्ट नंबर वंबर का डिटेल अगर है, कंट्री इश्यूज, पासपोर्ट एक्सपायरी डेट, अगर ये सब होता है हमारे पास तो हम लोग नोट कर लेते हैं। वीज़ा नंबर, अगर अगर कोई फॉरेन का एम्प्लॉय है, विदेश का बंदा है लेकिन वो भारत में आके हमारे यहाँ नौकरी कर रहा है, तो उसका वीज़ा नंबर और वीज़ा उसका कब एक्सपायर हो रखा है ये सब भी डिटेल रख सकते हैं। उसका वर्क परमिट नंबर क्या है ना, ये सारी डिटेल्स भी, कॉन्ट्रैक्ट स्टार्ट डेट, कब से उसका कॉन्ट्रैक्ट हमारे साथ हुआ और कब उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा हमारे साथ, कब वो छोड़ के जाएगा, जो भी ये सब चीज़ें। कभी भी अगर यहाँ पे अगर एम्प्लॉय क्रिएट करते समय कोई इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दिख रही है तो यहाँ पे F12 दबाया कीजिए और यहीं पे चीज़ों को यस कर सकते हैं। जैसे लाइक नोट, नोट्स फॉर एम्प्लॉय, स्टैट्यूट डिटेल्स, पासपोर्ट, वीज़ा डिटेल आपका नहीं दिख रहा है तो यहाँ से यस करा लीजिएगा, ये सब ऐसे कर लेते हैं, फिलहाल इतनी डिटेल काफ़ी है। सेम इसी तरह से आपको क्या करना है, बाकी सारे एम्प्लॉय भी क्रिएट करने हैं, ठीक है ना, थोड़ा सा मेहनत, थोड़ा मेहनत का काम है लेकिन आपको ये सारे एम्प्लॉयज़ को क्रिएट करना पड़ेगा। सो यहाँ पे हम लोगों ने सारे एम्प्लॉयज बना दिए हैं, अगर हम लोग देखें, ओके एम्प्लॉयज के अंदर ये सारे एम्प्लॉयज हमारे बन गए, अनुप कुंदु, गौरव दास, कोयल, नीलू, रिमझिम। तो एज पर शीट हम लोगों ने सारे एम्प्लॉयज बना दिए, और एम्प्लॉयज बनाते समय आपको पता है PF, ESI नंबर सब कुछ हमने डाल दिया है, लेकिन एक प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर सेकेंड एम्प्लॉय जो नीलू दत्ता है उनका डेट ऑफ लेफ्ट, यानी किस दिन ये जॉब छोड़ने वाली है ये भी लिखना है, तो 2 जून 2020 को ये जॉब छोड़ने वाली, तो इसको कैसे लेफ्ट सर्विस मतलब यस करना है, ये कैसे करना है, क्रिएशन तो सिंपल था, अब ये कैसे करना है, इसको करने के लिए देखिए कहीं कोई ऑप्शन तो आ नहीं रहा था, जब हम लोग क्रिएट करते हैं ना एम्प्लॉय, जब हम लोग एम्प्लॉय क्रिएट कर रहे थे तो इस तरह का कोई फीचर कहीं आता ही नहीं कि किस दिन डेट ऑफ लेफ्ट है, लेकिन ये कैसे आपको मिलेगा, ये मिलेगा जब आप एल्टर करेंगे, आप किसी भी एम्प्लॉय को एल्टर कर लीजिए आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो कौन है एम्प्लॉय, तो ये एम्प्लॉय है नीलू दत्ता, तो नीलू दत्ता को जब एल्टर करोगे ना, सॉरी, अब देखिए यहाँ पे एक चीज आ रही है, क्या आ रही है, डेट ऑफ रेजिग्नेशन और रिटायरमेंट, तो इनका रिटायरमेंट का डेट जो है वो यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, तो डेट ऑफ रिटायरमेंट है क्या, 2 जून 2020, ओके। अब यहाँ पे रीजन जरूर देना पड़ेगा, क्यों आखिर में रीजन, क्या क्यों छोड़ रहे हैं, ओके ससेशन, टाइम खत्म हो गया, डेट ऑफ सर्विस, डेट इन सर्विस है, या ये सॉरी डेथ ऑफ सर्विस हो गया, मतलब डेथ हो गई अगर उनकी, तो लेफ्ट सर्विस, सर्विस छोड़ दिया उन्होंने अपने से, अदर्स, या फिर परमानेंट डिसेबल हो गए, या रिटायरमेंट हो रहा है, जैसा भी है, तो यहाँ पे आपको रीजन जरूर देना पड़ेगा। तो यहाँ पे रीजन कुछ लिखा नहीं है तो हम लोग कोई भी रीजन ले सकते हैं, ठीक है ना, तो लेफ्ट सर्विस लिख देते हैं, नोट्स, अब उसका रीजन भी लिख सकते हैं आप यहाँ पे क्यों छोड़ के गए, लेकिन यहाँ पे कंट्रोल है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा, ये एक नई चीज थी जहाँ पे आपको डेट ऑफ लेफ्ट भी आपको भरना था, और ये चीज ध्यान रहे एल्टर में होगा, अल्टरेशन में ही ये ऑप्शन आएगा, और जब भी हमको लेफ्ट और सर्विस हम लोग भरेंगे तो डेट डालेंगे तुरंत हमसे रीजन पूछेगा, वो रीजन भी आपको डिफाइन करना है। तो ये तो कंप्लीट हमने कर ही दिया था, तो ये एक सैंपल दिया हुआ है, इसमें आगे बढ़ते हैं हम लोग, नीचे देखे दे रखा है क्या, द डेट ऑफ रिटायरमेंट और रेजिग्नेशन, सेम चीज, ये किस में आता है आपको, सिर्फ और सिर्फ अल्टरेशन स्क्रीन में ही आएगा, अभी भी जस्ट बताया आप लोग को,
अब यहाँ पे दे रखा है क्रिएशन ऑफ पेरोल यूनिट। अब पेरोल यूनिट जैसे हम लोग आइटम क्रिएट करते थे तो यूनिट डालते थे ना पीसेस, यहाँ पे जब हम लोग पेरोल बनाते हैं तो वहां पे यूनिट्स में क्या रहेगा, आवर मिनट मंथ डे ये ना होगा, तो इसको हमें क्रिएट करना पड़ेगा। तो पहले सिंपल क्रिएशन करेंगे हम लोग, आवर मिनट मंथ डेज एंड देन कंपाउंड यूनिट क्रिएट करेंगे। तो चलिए आते हैं वापस क्रिएट में, और यहाँ पे आते हैं एम्प्लॉय, यहाँ पे यूनिट वर्क में सिंपल पहले क्रिएट करते, पहले आवर्स बनाने, ओके। डेसिमल पोर्शन जो देखिए क्या यूज करना है, टू। तो यहाँ पे एक और चीज शॉर्ट में भी लिख सकते हो, HRS लिख सकते हो, टू प्लेस यूज कर लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट एक और चीज बना रहे हैं हम लोग, क्या जो छोटी यूनिट होता है उसमें डेसिमल पोर्शन यूज नहीं करना है, क्योंकि मिनट हो गया है ना, आप सेकेंड्स में तो करना नहीं है, तो इसीलिए यहाँ पे जीरो ही रहने दीजिए, ओके। नेक्स्ट अगला क्या है, कंपाउंड बना लीजिए HRS ऑफ 60 मिनट्स, आवर ऑफ 60 मिनट। तो ये टैली को समझाना पड़ेगा। अब इसी तरह से फिर एक और सिंपल यूनिट बनाना है, क्या है वो, मंथ एंड डेज, MTH लिख देते हैं या मंथ ही लिख देते हैं पूरा, इसमें थोड़ा सा डिफर कर लिया कीजिए। अब मंथ ऑफ क्या 30 डेज होगा, ठीक, मंथ आधा मंथ डेढ़ मंथ इस तरह से लिखना नहीं है, तो जीरो ही रहने दीजिए, या दो पोर्शन कर सकते हैं आप। आगे देखिए यहाँ पे क्या डेज करना है, डे यहाँ पे डेज कर लीजिए। नाउ कंपाउंड मंथ ऑफ 30 डेज, ओके। सेम एज हमने क्रिएट कर लिया, सारी यूनिट हमारे बन गए। अब अगर आप देख रहे होंगे, अब अगला स्टेप क्या होगा, जाहिर सी बात है यूनिट बन गया, यूनिट के बाद अगला क्या होगा, अटेंडेंस एंड प्रोडक्शन टाइप। तो इसके लिए कहाँ पे जाएंगे हम लोग, फिफ्थ पॉइंट, क्रिएटिंग अटेंडेंस एंड प्रोडक्शन टाइप। क्या होता क्या है ये, अटेंडेंस और प्रोडक्शन टाइप आर यूज टू रिकॉर्ड द अटेंडेंस एंड प्रोडक्शन डेटा ऑफ एम्प्लॉय। एम्प्लॉय जाहिर सी बात है अटेंडेंस पास करने के लिए हमें चाहिए। फर्दर बेसिक्स बेसिस ऑफ द अटेंडेंस टाइप डिफरेंट पे कंपोनेंट्स ऑफ एम्प्लॉयज आर कैलकुलेटेड। बाकी उनके कई सारे पेमेंट होते हैं जो इसी बेसिस पे कैलकुलेट होते हैं, जैसे द अटेंडेंस एंड प्रोडक्शन टाइप में भी किस तरह का हो सकता है, अटेंडेंस लिव विद पे होते हैं, जैसे शुड बी यूज टू रिकॉर्ड द पॉजिटिव अटेंडेंस एंड लिव विद पे। फॉर एग्जाम्पल बंदा प्रेजेंट है तो उसका भाई अटेंडेंस माना जाएगा, प्रेजेंट मतलब अटेंडेंस ना। नेक्स्ट अगर सिक लीव लिया है तो एक लीव होती है लेकिन विद पे होता है, उसका पेमेंट भी किया जाएगा एम्प्लॉय को। नेक्स्ट लीव विदाउट पे कब होता है, शुड बी यूज टू रिकॉर्ड द निगेटिव अटेंडेंस, अगर निगेटिव अटेंडेंस लगानी है तो जब सैलरी उसकी काटनी है हमें, एबसेंट होगा तो बिल्कुल हम लीव विदाउट पे करेंगे, सैलरी काटेंगे, या लीव विदाउट पे ऐसे ही बना सकते हैं हम लोग। प्रोडक्शन टाइप हम कब यूज करने वाले, शुड बी यूज टू रिकॉर्ड द प्रोडक्शन डिटेल, फॉर एग्जाम्पल जैसे पीस प्रोडक्शन हो गया, या फिर कह लो ओवर टाइम आर, अगर कंपनी अगर मेरा एम्प्लॉय मेरे लिए ओवर टाइम कर रहा है तो मेरे लिए प्रोडक्टिव है ना, वो 2 घंटा एक्स्ट्रा जो काम किया उसने, या फिर पीस प्रोडक्शन, तो ओवर टाइम हम लगा सकते हैं इसमें। यूजर डिफाइंड कैलेंडर टाइप क्या होता है, शुड बी यूज टू क्रिएट द यूजर डिफाइंड कैलेंडर विच कैन बी लेटर यूज टू स्पेसिफाई द वेरिएबल नंबर ऑफ डेज फॉर ईच मंथ। फॉर एग्जाम्पल 25 डेज इन जनवरी, 24 डेज इन फेबररी, होता है ना कि किसी मंथ में हमारा इतने ही दिन वर्किंग रहा, किसी दिन एक तो हमने डिफॉल्ट पकड़ा दिया कि 26 दिन वर्किंग डेज मानी जाएगी, लेकिन अगर हम अलग अलग मंथ में अगर डिफाइन करना चाहते हैं, या कोई ऐसा स्पेशल मंथ होता है जैसे फेब्रुवरी में 28 दिन का ही होता है, तो उसमें वर्किंग डेज आपको कम करना है, तो इस तरह से बना सकते हैं आप। चलिए हम लोग क्रिएट करते हैं अपना अटेंडेंस टाइप। हमें फिलहाल 4 अटेंडेंस टाइप बनाने, प्रेजेंट एबसेंट ओवर टाइम एंड लीव, ओके। हम लोग सारे यूज करने वाले हैं, लीव विद पे, लीव विदाउट पे, प्रोडक्शन, ओके, लास्ट वाला हम बस यूज नहीं करेंगे। तो चलिए हम लोग अटेंडेंस क्रिएट करते हैं। सबसे पहले किसका बनाना है, प्रेजेंट का, ओके। प्रेजेंट अंडर क्या होगा, प्राइमरी अटेंडेंस टाइप में ध्यान रखिएगा क्या रखना है, लीव विद पे, लीव अरे सॉरी लीव विद पे हो गया, यानी फर्स्ट वाला अटेंडेंस, तो प्रेजेंट हो गया। नेक्स्ट क्या बनाना है, एबसेंट। एबसेंट जो है ना ये क्या होगा, लीव विदाउट पे होगा, इसको कई लोग लॉस ऑफ पे भी कहते हैं, LOP,
LWP भी बोलते हैं और LOP, LOP मतलब आजकल नया ट्रेंड है, लॉस ऑफ पे। पुराने पहले तो हम लोग लीव विदाउट पे ही बोलते थे। अब अगला जो देखिए ओवर टाइम, ओवर टाइम कर रहा है तो ये हमारे लिए कंपनी के लिए क्या प्रोडक्शन का काम, प्रोडक्टिव है। अब यहाँ बताना पड़ेगा कैसे निकाला जाता है, तो वो 1 घंटा भी कर सकता है, 1.5 घंटा भी कर सकता है, तो हावर ऑफ 60 मिनट लेना पड़ेगा आपको। नेक्स्ट क्या है लीव, अगर वो लीव लेता है तो लीव लेता है अंडर प्राइमरी, ये क्या माना जाएगा, ये भी लीव विद पे ही माना जाएगा। तो लीव विद पे के लिए अलग से नहीं, वही अटेंडेंस वाला ही लेके चलना है। तो मेरे ख्याल से ये अटेंडेंस टाइप भी आपको समझ में आ गए होंगे। नीचे ये सैम्पल दे रखा है, नोट्स में ऐसे ऐसे बनाना है, ठीक है। अब क्रिएटिंग द पे हेड होता है। अब पे हेड होता क्या है जरा समझिएगा, हम अपने एम्प्लॉयज़ को जब सैलरी देते हैं तो उसमें क्या होता है, एक सिंगल नाम से नहीं देते। अगर आप लोगों ने डायरेक्ट टैक्स पढ़ा होगा जिसमें सैलरी हेड के बारे में पढ़ा होगा, तो जो हम लोग सैलरी पेमेंट करते हैं तो उसमें क्या होता है, डिफरेंट डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं। जैसे बेसिक हो गया, HRA, हाउस रेंट अलाउंस, कन्वेंस अलाउंस, ओवर टाइम, इंसेंटिव, अलग अलग कंपोनेंट्स होते हैं। तो ये सारे के सारे जो पे हेड्स हो, इन्हीं को हम लोग पे हेड्स बोलते हैं। यानी कि जो सैलरी के जो कंपोनेंट होते हैं ना, वही हम लोग को क्रिएट करना है, दैट इज कॉल्ड पे हेड्स। तो पे हेड क्या होते हैं, अर्निंग के भी होते हैं, डिडक्शन के भी होते हैं। अब जैसे आपकी सैलरी में से सपोज करो PF कटेगा, ESI कटेगा, TDS कटेगा, तो वो डिडक्शन के पे हेड होंगे, ठीक है। फिर एम्प्लॉयर भी अपनी जेब से PF में कंट्रीब्यूट करेगा आपके, तो वो क्या होगा, वो भी एक पे हेड है, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन का पे हेड होगा। तो पे हेड्स हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक होगा, पे हेड इज द मेजर टॉपिक, बहुत जरूरी है इसको अच्छे से समझना। और अगर पे हेड आपने अगर सही से क्रिएट किया ना, आपका पेरोल टैली के अंदर बहुत ही स्मूथली चलेगा। अगर पे हेड में अगर दिक्कत किया तो बहुत दिक्कत आने वाली है। सो पे हेड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे। आज के लिए मेरे ख्याल से आज के वीडियो में इतना काफी है। पे हेड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अर्निंग डिडक्शन सारे पे हेड्स कवर करने वाले हैं। सो मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो समझ में आया तो इसे प्लीज लाइक करिए और शेयर करिए, सब्सक्राइब का बटन दबाना भूल जाइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।